बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बड़े मज़े में होंगे। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए लाई हूँ सूप की रेसिपी, जो कि हम कॉर्न सूप बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और यमी सा सूप बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलें जल्दी से मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसमें मैंने लिया है चिकन। चिकन मैंने तकरीबन जो है ना हाफ के जी मैंने चिकन जो है ले लिया। इसमें मैंने बोनलेस भी लिया और हड्डी वाला भी लिया है। और अब मैं इसको ऐसे करूँगी कि सबसे पहले हम जो है चिकन की यखनी बनाएंगे। हाफ के जी मैंने चिकन ले लिया है और इसके अंदर जो जाएगा ना वो मैंने ये देखे 3 लौंग, 1 दालचीनी का पीस है और 1 हाफ पीस जो है ना तेज़पत्ते का है, 1 छोटा सा प्याज है और 1 गाजर के 2 पीस हैं। ये मैं यखनी के बनाते हुए उसमें डालूँगा, थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें मैंने लिए 2 अंडे लिए हैं और इसमें कॉर्न उबाल के और इनको मैं क्रश कर लूँगी। अभी मैंने क्रश नहीं किए हैं, ये उबले हुए हैं सिर्फ। और जो है इसमें मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 टेबलस्पून चला जाएगा। और इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा कुटी काली मिर्च और इसमें जाएगा अजिनोमोटो 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही मैंने सफ़ेद मिर्च ली है। और इसमें जाएगा जो है चिली सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ले लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून ही सोया सॉस इसमें लेंगे और 1 टेबलस्पून जो है इसमें सिरके का लेंगे। तो और इसमें मैंने पानी जो है मैंने 1 से 2 लीटर इसमें पानी जाएगा। तो चलें सबसे पहले जो है मैं ऐसे करती हूँ कि हम अपनी यखनी बनाते हैं। यखनी के लिए जो है मैं अपने पॉट में इसमें मैं डाल देती हूँ चिकन। चिकन जो हमने ये फ्रीज हुआ हुआ था तो अभी ये सारा जो है वो हो जाएगा। ये सारा इसमें चिकन चला गया और इसमें डाल देंगे हम जो है 1 गाजर के 2 पीस करके साबुत, क्योंकि ये हमें सिर्फ इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए कि जो इसकी स्मेल है ना चिकन की वो नहीं होगी इससे। और 1 मैंने प्याज डाल दिया और 1 इसमें मैंने छोटा सा पीस उसका तेज़पत्ते का, 1 टुकड़ा दालचीनी का और ये 3 लौंग। और इसमें चला जाएगा नमक। नमक मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन जो है ना 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक का, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें पानी जो है ना मैं इसमें 2 से 3 लीटर जो मैं इसमें ये 1 लीटर चला गया, 1 लीटर मैं और डालूँगी और इसको मैं बॉयल होने के लिए रखती हूँ। तो मैं इसको बॉयल करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी बस, तो हमारा जो यखनी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त और खुशबूदार सी वो रेडी हो गया और जितना भी चिकन था ना मैंने सारे उसके रेशे कर लिए। ये देखें इसके मैंने बिल्कुल इसको रेशे रेशे कर लिए और अब चलें हम इसको जो अपना सूप है ना इसको रेडी करते हैं। अब जो यखनी है ना इसको मैंने सारी को छान लिया था छनी से ताकि इसमें कोई भी अगर इम्प्योरिटी हो तो वो सारी इसमें निकल जाए। ये देखें ये हमारी यखनी जो है वो इसमें मैंने सारी डाल दी है और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और हम अपने सूप को रेडी करते हैं, चिकन कॉर्न सूप जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा बनता है। तो चलें चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। जी व्यूअर्स, तो देखें हमने यखनी जो है ना मैंने रख दी है और ये बहुत अच्छी सी जो है ना अपना शुरू हो रही है। और इस टाइम पर अब मैं इसमें जो है ना हम ये अपना श्रेडेड किया हुआ चिकन जो है इसको मैं डाल दूँगी। सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे। सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया। अब हम जो है इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इस टाइम पे आप इसमें जो कॉर्न है ना उनको भी हम डाल देंगे। कॉर्न मेरे जो ये कॉर्न जो चॉप किए हैं उनको मैंने चॉप कर लिया था सारे कॉर्न्स को, ये हम डाल देंगे इसमें और इसको अब हम जो है ना इनको पकाएंगे थोड़ा सा 2-3 उबाल आने तक। तो जैसे ही इसमें उबाल आता है ना तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी सा ये कॉर्न सूप बनता है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इवन के जो बच्चियाँ हैं ना न्यू बच्चियाँ हैं जो कुकिंग सीख रही हैं वो भी इसको आसानी से बना सकती हैं। जी व्यूअर्स, तो देखें
हमारा जो सूप है ना वो बहुत ज़बरदस्त सा जो है पक गया है, ये देखिए। अब हम इसमें जो बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालते हैं। इसमें हमने डालेंगे इसमें जाएगा अजीनोमोटो और वाइट पेपर, ये दोनों चलेंगे। और इसमें जाएगा नमक, नमक अगर कम लगा तो हम और डाल लेंगे। और इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, वैसे भी ये काली मिर्च जो है बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च चली गई इसमें। और इसमें हम डालेंगे चिली सॉस, फिर इसमें चला जाएगा सोया सॉस, दो से तीन टेबलस्पून अपने हिसाब से आप इसमें डाल लें। और इसमें चला जाएगा सिरका 1 टेबलस्पून। अब हम इसको थोड़ा सा पका लें। अब हम इसके अंदर देखें बहुत अच्छा सा ये जो है ना पक रहा है। तो हमने अपना जो है ना कॉर्नफ्लोर वो मैंने पानी में भिगो के रख लिए। कॉर्नफ्लोर जो है ना आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तक आप इसमें डाल सकते हैं, जितना आपको थिक चाहिए होगा। तो इसमें हम साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे। इतना ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा सूप जो है ना वो बिल्कुल बहुत अच्छा सा हो गया है। हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे, चम्मच आपने चलाते रहना है क्योंकि जो सूप इस वक्त हमने कॉर्नफ्लोर डाला ना वो फिर नीचे लगने का डर होता है, तो नीचे लग जाएगा तो फिर स्मेल इसमें से आना शुरू हो जाती है। चिली सॉस अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लीजिएगा, मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून डाल दिया, तो आप इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और इसमें जो है कॉर्नफ्लोर सॉरी सोया सॉस, सोया सॉस भी आप अपने जितना आप अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसमें से कम कर सकते हैं। बहरहाल मुझे जो है ना मुझे ये दोनों चीज़ें जो है अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इसमें हम जो अपने अंडे हैं ना अंडे डालेंगे इसमें, जो 2 अंडे रखे थे उनको मैं फेंट रही और फिर हम इसमें डालते जाएंगे। जी बस, तो देखिए हमारा जो सूप है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो पक गया। और अब हम इसमें ये देखें क्योंकि इसको थोड़ा सा ना पकाना होता है कॉर्नफ्लोर डाल के, ये ना हो कि कॉर्नफ्लोर कच्चा रहे और उसकी कच्चे की फिर स्मेल सी आती है, वो अच्छा नहीं रहता है। ये बहुत ही यम्मी सा और जो है ना एनर्जेटिक सा हमारा जो सूप है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। और इस टाइम पे अब हम इसमें ये जो एग है ना एग हम डालेंगे इसे, तो मैंने 2 एग इसमें एक साथ आपने नहीं डाल देने वरना फिर वो जो है ना एक ही जगह पे वो उसकी वो जो लेयर्स है ना वो आ जाएंगे, तो आपने ऐसे डालना है। कढ़ाई का अपनी इसको घुमा घुमा के आप पोक को डालें तो ये फिर सारा इसमें जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। जो रहेंगे थोड़ा सा तो इसको भी हम घुमा घुमा के ऐसे डाल दें ये आ रहा है गैस में चला गया। और अब हम इसमें चम्मच चला लेते हैं। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो अंडा ना डालें, लेकिन सर्दियों में जो है ना अंडे खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा सूप जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलें मैं इसको जो है ना डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
जी विवर्स, तो हमारा कॉर्न सूप बन के बहुत ही मज़ेदार और यमी सा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें आप कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। और ये मैंने टेस्ट किया, ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है जितना कि ये देखने में खूबसूरत लग रहा है। देखें आप इसकी रंगत देखें, और इसका जो थिकनेस है ना, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखनी होती है, बस इतनी कि जो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, नॉर्मल रहे। तो बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा ये जो बन के हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलती रहे, और आप मज़े मज़े की रेसिपी से इंजॉय करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मिलूँगी। उस वक्त तक के अल्लाह हाफिज़।